हुआ, IIT से पढ़ा हुआ था, तो आज से करीब 10-12 साल पहले निबंध की क्लास में आता था। तो एक दिन बात होने लगी क्लास के बाद, तो उसने बताया कि सर मैं MES में काम करता हूँ, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस पे काम करता हूँ। तो मैंने जिज्ञासा से पूछा क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं। तो ना बड़ी गिल्ट फीलिंग से उसने कहा कि सर इतनी गंदी सर्विस है सर, क्या बताऊँ, रोज मन करता है कि इस्तीफा दे दूँ पर हिम्मत नहीं होती, क्या करूँ, घर की चिंताएं हैं, परिवार को चलाना है। तो मैंने क्या दिक्कत है, बोले सर कुछ नहीं, काम नहीं करना होता है और हर महीने घर में कुछ अमाउंट, बोला 3 लाख, बोला कि 5 लाख, बोले इतना अमाउंट हर महीने घर में आ जाता है। क्यों आ जाता है, तो जितने सैनिक बॉर्डर्स पे तैनात हैं उन सब का राशन वाशन, उन सब की जरूरत की वस्तुएं यहां से जाती हैं, उसकी गुणवत्ता और मात्रा हमें कम करनी पड़ती है ताकि ये पैसा हमारे सर्विस के लोगों को मिल सके। यानी सैनिक को जो दाल मिलनी चाहिए वो दाल उसका 1/4 पहुंचेगा, बाकी पानी पिलाएंगे उस दाल के नाम पर। उसको जो कपड़े मिलने चाहिए वो कपड़े सस्ती क्वालिटी के लेंगे, सबसे महंगे दाम पे खरीदते हैं हम, ताकि वो जो वेंडर है उससे रिश्वत हमें मिल जाए। और उसने कहा कि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं सब फैसले करूँ, मैं उस लेवल पे नहीं, पर ये है कि सर्विस में जो भी लोग हैं उनके लिए फिक्स है कि उनको वो सब मिलना ही मिलना है। बोला मैं MES में हूँ तो हमारा इंजीनियरिंग वाली चीज़ों से पैसा आता है और जो अकाउंट्स के लोग हैं उनका बाकी चीज़ों से पैसा आता है, घुमा फिरा के होता वही है। तो आप जिन सेवाओं में जाएंगे उनमें से कुछ सेवाएं ऐसी भी होंगी जिनमें रिश्वत इसलिए मिलती है ताकि सैनिकों को खराब बंदूकें मिलें, ताकि सैनिकों के हेलीकॉप्टर्स खराब हों, उनकी ठीक से मेंटेनेंस ना हो, और कभी होगा तो 5 साल मर जाएंगे, क्या हो गया, हर महीने तो आया ना भाई उसके बदले पैसा। करप्शन सबसे बुरा वो है जिस करप्शन की वजह से आपने जाने अनजाने किसी की जान खतरे में डाल दी है, और ये होता है मिलिट्री सर्विसेज का करप्शन। समझ में आ गया?